Mir ist aber jeher gekja Iblis kiala tala, kina firmani kenne se pele bi Jahannam mojood thi. Allah Taala ne ye to nahi banaya ki aaj se main Jahannam bana raha hu to tumhe Jahannam mein dalunga. Jahannam to maujood thi. ठीक है, अल्लाह ताला ने पता नहीं कि कब से मखलूक बनाई, क्या किया था. आदम का किस्सा हमारे सामने है ना, इस आदम से पहले ही बहुत सारे आदम पैदा हुए. ठीक है, हमें तो अपने आदम की बातें पता है ना, जो 6000 साल पहले था, इससे हज़ारों साल पहले भी, अरबों साल पहले भी इंसानियत थी. तो इब्लीस को या शैतान को या जहन्नम को पहले भी बनाया हुआ था. उन लोगों को भी सजाएं देते होगा जो बुरे काम करते थे. इसलिए दूसरी बात यह है कि ये दुनिया जो है इसमें भी जन्नत और जहन्नम है. लेकियाँ होती हैं वो इंसान को जन्नत में शुमार कर लेती हैं, इसी दुनिया में भी इनामात मिलते हैं वो जन्नत बन जाती है. और इस दुनिया में जो इंसान को बहुत सारी सज़ाओं से गुज़रता है, बीमारियों से गुज़रता है, वही जहन्नम बन जाती है. तो ये भी एक मतलब है इसका. तो अल्लाह ताला ने उसको यही कहा था कि ये आदम जो मैंने पैदा किया है, जिसकी हिस्ट्री हमारे हमें पता है, ये आदम के मानने वाले जब नेक काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे और बुरे काम करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे. इसका मतलब वहाँ पहले मौजूद थी ना जहन्नम, तो तभी तो अल्लाह मियां ने कहा ना जहन्नम में जाएंगे, यानी इनको सज़ा मिलेगी. जहन्नम क्या है? जहन्नम एक जेल खाना है, एक सज़ा है, ये कह लो हस्पताल है. जो बीमार है उनका इलाज होगा वहाँ, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो वहाँ से निकल जाएंगे. या एक जेल है, उसमें सज़ा है, कुछ अर्सा सज़ा काटेंगे अपनी बुराइयों की, फिर अल्लाह ताला उनको निकाल देगा. अल्लाह ताला ये कहता है जहन्नम खाली हो जाएगी एक वक्त में और जन्नत भर जाएगी.